हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कॉमर्स सर में। दोस्तों, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी PWD ने महाराष्ट्र में नई भर्ती निकाली है और उसका एज क्राइटेरिया रखा है 38 ईयर। ठीक है, और ये 2019 की फ्रेश वैकेंसीज है और अभी महाभर्ती चालू है तो ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी, तो उसके भी वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो आप कनेक्टेड रहिएगा यूट्यूब चैनल से ताकि आपको हर वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल पाए। ठीक है, तो देखते हैं कि आज PWD में कौन सी वैकेंसीज आई है और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए और उसके लिए क्या पेमेंट सैलरी वगैरह रहेगी। हम सब कुछ आज इस वीडियो में उसकी जानकारी लेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, तो अभी देखते हैं कि इसके लिए आपको इस क्राइटेरिया क्या चाहिए होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है आपको एज क्राइटेरिया चाहिए होगा इसके लिए। अगर आप ओपन में आते हो तो 18 से 38 तक आपकी एज लिमिट चल सकती है। ठीक है, अगर आप मागास वर्गीय में हो तो 18 से 43 तक ये चल सकती है। ठीक है, और आप खेड़ में तो 18 से 43 ये आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। दिव्यांग अपन के लिए 45 तक है। ओके दोस्तों, और इसमें आपको एजुकेशन क्या लगेगा। ठीक है, कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य गढ़ के लिए आपको एज लिमिट है 18 से 38। ठीक है, और इसके लिए आपको ये चाहिए एजुकेशन। आपको डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए। ठीक है, और उससे जो संबंधित ब्रांचेस आती है वो भी इसमें चल जाएंगी। ओके ओके दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि अभी इसमें आपको फैसिलिटी क्या क्या मिलेंगी अगर आप इस जॉब को ज्वाइन करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो आइए, यहाँ पे लिखा है कि कनिष्ठ अभियंता भर्ती अलग यानी उपलब्धि। ठीक है, आपको यहाँ से 9,300 से लेकर 34,800, ठीक है, ये ग्रेड पे, और 4,300 आपका ये रहेगा ग्रेड ग्रेड वेतन। ओके, और आपको जो चालू के दिन में तो वहाँ पे 10,000 और 10,000 और 100 रुपये प्लस ग्रेड पे 4,300, टोटल आपको 14,400 रुपये मिलेंगे। और आपको कार्यकारी अभियंता या पता है कि आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। ठीक है, या फिर कार्यकारी अभियंता या पदोन्नति साकृत पदा पर्यंत। ओके ठीक है, तो आइए इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा वो जानते हैं अभी। ठीक है, तो उसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, ठीक है, स्थापत्य अभियांत्रिकी का अभ्यासक्रम इंग्लिश रहेगा, टोटल 75 क्वेश्चन रहेंगे और उसके लिए हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा, यानी 1 मार्क्स का ही आपका पेपर रहेगा। और दूसरा रहेगा सामान्य ज्ञान, उसमें रहेगा मराठी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, वो रहेगा मराठी और इंग्लिश 2 भाषा में अवेलेबल रहेगा। और ये टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, और इसमें भी हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स है, यानी टोटल 50 मार्क्स रहेंगे इसके लिए। और टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, उसके लिए 200 मार्क्स का आपको पेपर रहेगा। ओके,